स्मार्ट सिटी नाम स्मार्ट है, लेकिन काम की गुणवत्ता स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी परियोजना के चलते किए जा रहे कार्य बेहद घटिया स्तर के हैं। निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में दम तोड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी का गंदा काम। चंद दिनों में धस गई RCC सड़क, कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं होता है एक्शन? ये स्मार्ट सिटी का कार्यालय है और ये स्मार्ट सिटी की सड़क है। स्मार्ट सिटी का कार्यालय बेहतरीन बनाया गया है, लेकिन सड़क घटिया बनाई गई है। ये सड़क फतेहाबाद रोड JP होटल के बराबर से बनाई गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुसुम यादव और सपा नेता राजपाल यादव के आवास के सामने ये सड़क निकल रही है। RCC की सड़क कुछ दिनों में ही जवाब दे गई। पूरी RCC की सड़क धस चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं। बनने के तत्काल बाद ही सड़क धसना शुरू हो गई थी, ऐसा बताया गया है। कई बार पेच वर्क भी किए गए, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर सड़क धसती चली गई। सपा नेता राजपाल यादव स्मार्ट सिटी पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। ये सड़क का निर्माण आगरा जो स्मार्ट सिटी की योजना आई थी, जो सरकार ने कहा था कि हम सब सिटियों को स्मार्ट करने का काम करेंगे, उसी के तहत ये JP होटल के बराबर से रोड बनाई गई थी। स्मार्ट तो हुआ नहीं, लेकिन इसमें अधिकारी ठेकेदार जरूर स्मार्ट हो गए, जनता स्मार्ट नहीं हुई। टूट गई है ये सड़क पूरी, बिल्कुल आप देखिए मौके पे, या कोई जनहानि हो सकती है, पूरी सड़क बैठ गई है। विपक्ष के नेता है, सवाल तो खड़ा करेंगे ही, साथ ही जब स्मार्ट सिटी की सड़क घटिया है तो सवाल खड़ा होना भी जायज है। सवाल यह भी उठता है, आखिर ऐसे कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? चंद दिनों में जब सड़कें टूटेंगी, निर्माण खत्म होगा, निर्माण कार्य जवाब देगा, फिर जवाब देई भी बनती है। सपा नेता राजपाल यादव कहते हैं, कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई है कि सुनता नहीं। मैंने सड़क को बने हुए हो गए करीब 12-14 महीने हो गए होंगे। 14 महीने से मैं ये भ्रष्टाचारी पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई थी। कई बार हमने शिकायत की है, लेकिन शिकायत में कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी मिलके इसको लीपा पोती कर देते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों पर सवाल उठे थे। पूर्व मंत्री छावनी विधायक डॉक्टर GI धर्मेश ने कई सवाल खड़े किए थे। सवाल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर था। सवाल सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसे ही आगरा स्मार्ट बन जाएगा? निर्माण कार्य यदि चंद दिनों में जवाब दे जाएंगे, फिर कैसे आगरा स्मार्ट सिटी बनेगा? राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।